जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस चैंपियन में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी की ओर से एक और नई वैकेंसी आपके लिए आ चुकी है और आपको जल्द से जल्द इसका नोटिफिकेशन है वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में अगले वीक में मिल जाएगा। ओके, तो गाइज जो आपकी वैकेंसी किस तरीके से कौन कौन कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएगा पूरी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। तो वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर आप एंड पॉइंट तक बिना स्किप किए अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। आपको फॉर्म अप्लाई करने तक का प्रोसेस है वो यहाँ से बता दिया जाएगा, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा तो मे भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। एज लिमिट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, कहाँ कहाँ पर कितनी पोस्ट है। गाइज फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट क्या है, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगामी वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच पाए। और आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, सबसे पहले अपडेट आपको टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिलता है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो दोस्तों इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट और आपका एडवर्टाइज जो नंबर है एडवर्टाइजमेंट नंबर है 04/2021 का है, ग्रुप सी की यहाँ पर आपकी वैकेंसी होने वाली है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रखा है, हेडक्वार्टर सेंट्रल एयर कमांड इंडियन एयरफोर्स, पोस्टल एड्रेस है जो कि आपको भेजना है, जहाँ पर आपका इन्फॉर्मेशन जो आपका लिफाफा भेजेंगे ये जो प्रोसेस है गाइज वो आपका ऑफलाइन होने वाला है, ठीक है। इसके अंदर मेल और फीमेल कैंडिडेट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ओके, यहां पर आगरा यूपी है और यहां पर गाइस जो पहला है आपका हेडक्वार्टर सेंट्रल एयर कमांड है, तो गाइस इसके अंदर आपका क्या है कि ये सारे के सारे हैं आगरा यूपी के हैं, उसके बाद में ये आपका लखनऊ का है। ओके, यहां पर एमटीएस है, एचकेएस है, एमटीएस कुक और एचकेएस की टोटल यहां पर वैकेंसी दे रखी है, एक वैकेंसी, पांच वैकेंसी, दस वैकेंसी और गाइस आपकी छह वैकेंसी और एक वैकेंसी और एक वैकेंसी, और उसको उसके बाद में कैटेगरी वाइज है वो यहां पर है अलग अलग दिया गया है। जनरल के लिए कितनी वैकेंसी है, ओबीसी के लिए एससी और एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यू, बीडी और ईएसएम वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं और इसका है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से यहां पर इंफॉर्मेशन आपको दे रखा है, पर हेडक्वार्टर साउथ जो साइड का है एयर कमांड वहाँ का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दे रखा है, पोस्टल एड्रेस आपको यहाँ पर दे रखा है और यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी है एक वैकेंसी और कुक की है, एचकेएस की एक वैकेंसी है और एमटीएस की भी दो आपकी वैकेंसी है। आपका हेडक्वार्टर है वेस्टर्न एयर कमांड का, तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे तरीके से दे रखा है, यहाँ पर अच्छी खासी आपकी वैकेंसी है जो कि गाइज न्यू दिल्ली है, ओके, और अम्बाला के अंदर है और चंडीगढ़ के अंदर है और पठानकोट के अंदर है और यहाँ पर हिंडौन गाजियाबाद यूपी के अंदर भी है और यहां पर फरीदाबाद हरियाणा के अंदर भी आपकी वैकेंसी है। ओके, यहां पर इंफॉर्मेशन है एमटीएस कुक और एमटीएस कुक, एमटीएस सुपरिटेंडेंट स्टोर की वैकेंसी है यहां पर, ओके, और उसके बाद में स्टोर कीपर की भी वैकेंसी है यहां पर टोटल, और उसके बाद में गाइस आपका कुक की है, कारपेंटर की है, तो ये आपको इंफॉर्मेशन यहां पर दे रखा है। कैटेगरी वाइज भी आपकी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यू, बीडी और ईएसएम वाले स्टूडेंट्स के लिए यहां पर इंफॉर्मेशन है आपको दे रखा है। उसके बाद में गाइस आपको देखिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रखा है अच्छे तरीके से, तो मे बी आप इसे नोट कर सकते हैं। ओके, टोटल वैकेंसी आपकी यहाँ पर 174 होने वाली है और इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल कैंडिडेट। सुपरिटेंडेंट स्टोर है सबसे पहले, तो इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना बहुत ही जरूरी है तभी आप इसके अंदर है अप्लाई कर सकते हैं। एलडीसी की पोस्ट है, उसके लिए गाइज आपको 12वीं पास होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, तो 35 जो वर्ड है वो आपके एक मिनट के अंदर आप टाइप कर सकते हैं इंग्लिश के अंदर, और 30 जो आपके वर्ड होंगे वो हिंदी के लिए, 35 और 30 वर्ड है जो कि इंग्लिश और हिंदी के हैं। ओके, उसके बाद में स्टोर कीपर है और उसके बाद में गाइज आपका कुक है और पेंटर है, उसके बाद में कारपेंटर है और उसके बाद में हाउस कीपिंग स्टाफ है, तो यहाँ पर एचकेएस भी है। ओके, और यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है और पे लेवल भी आपको दे रखा है कितना पेमेंट आपको मिलने वाला है। यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि दो आपको लिफाफे की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, और इसका जो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, यहाँ पर जो आपकी पोस्ट आएगी एंड कैटेगरी सबसे पहले ऊपर ही ऊपर आपको ये लिखना है। और गाइज इस तरीके से फॉर्म किस तरीके से फिलअप किया जाता है इसके बारे में काफ़ी वीडियो आपको पहले मिल चुके हैं और इसका फॉर्म स्टार्ट होते ही आपको इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी आवेदन किस तरीके से आपको करना है। ओके, यहाँ पर गाइज आपका एज रिलेक्शन की हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर गाइज आपको टोटल देखिए
सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा एज लिमिट के अंदर आपको यहाँ पर दे रखा है 18 ईयर से लेकर 25 ईयर है और आपको यहाँ पर एज इलेक्शन भी आपको दिया गया है। ओके, यहाँ पर एज इलेक्शन आप देख सकते हैं, जो 3 ईयर का एज इलेक्शन है वो आपका ओबीसी को है, 5 ईयर का एससी और एसटी वाले स्टूडेंट्स को है। बात कर लेते हैं गाइज आपका सिलेक्शन किस तरीके से होने वाला है, तो मैं इसी वीडियो के अंदर आपको बताना चाहूंगा कि ये ऑफलाइन आपका फॉर्म अप्लाई होने वाला है। ओके, गाइज आपका ऑफलाइन ही एग्जामिनेशन होने वाला है, जो कॉल अप लेटर आने वाला है वो भी गाइज आपका ऑफलाइन ही आने वाला है। ओके, तो आप जो फॉर्म अप्लाई करेंगे उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी वो मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि गाइज इसके अंदर आपका जो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, एलडीसी हो या सुपरिटेंडेंट स्टोर हो या फिर स्टोर कीपर हो या कुक के लिए हो या फिर एमटीएस के लिए, जो आपकी क्वालिफिकेशन है यानी 10वीं पास वैकेंसी है, तो 10वीं की मार्कशीट की जरूरत होगी, यानी आपको एक फोटोकॉपी जीरोक्स का यूज करना होगा और उसके साथ साथ आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि आपका मूल निवास प्रमाण पत्र या रेजिडेंस सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं। ओके, आइडेंटिफिकेशन जो आईडी होता है उसी के तौर पर आपको गाइज या तो आधार कार्ड या फिर आप अपना अदर डॉक्यूमेंट है वो यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ गाइज आपको एक और जरूरत पड़ेगी बर्थ सर्टिफिकेट की, तो यदि बर्थ सर्टिफिकेट आपका नहीं है तो आप 10th की मार्कशीट है वो यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर कि आपका इसका लास्ट डेट कितना है, लास्ट डेट गाइज इसका होने वाला है 19 सितंबर। ओके, लास्ट जो डेट है इसका 19 सितंबर होने वाला है। और किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है, थोड़ा सा हिंट मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसका आपको प्रिंट निकलवाना होगा, साइबर कैफे से निकलवा लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और आपका इसका जो पीडीएफ है वो वेबसाइट पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। सबसे पहले आपको यहाँ पर देना है, देखिए फॉर कौन से एयरफोर्स स्टेशन के लिए आपने अप्लाई किया है, फॉर्म जो फॉर्मेट है एप्लीकेशन का, यहाँ पर आपकी फोटो चिपकानी है रिसेंट की, ओके पुरानी फोटो नहीं यूज़ करनी है, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई की है, नेम ऑफ द कैंडिडेट्स आपको जो कैपिटल अल्फाबेट के अंदर लिखना है, सभी के सभी जो अल्फाबेट यूज़ करने वाले हैं, फादर नेम या हस्बैंड नेम, ओके तो यहाँ पर आपको लिख देना है, डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, और गाइज आपको डेट ऑफ बर्थ है ना, उसके बाद में नीचे आपको दिया गया है 5 नंबर जो पॉइंट है, एज एज ऑन लास्ट, जो आपकी लास्ट डेट है फॉर्म की यानी 19 सितंबर तक आपकी कितनी डेट हो जाती है, कितना मंथ ईयर वगैरह हो जाता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है, ओके काउंट करके। बाद में एड्रेस फिलअप करना है, जो परमानेंट एड्रेस है वो भी आपको फिलअप करना है, हाउस विलेज कौन सा भी है, पोस्ट ऑफिस हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, सही से फिलअप करना गाइज, यदि आप गलत फिलअप कर दोगे तो आपका है वो नहीं आएगा एडमिट कार्ड। ओके, तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और उसके बाद में कास्ट क्या है आपकी, वो आपको फिलअप कर देना है, कौन सी कैटेगरी के लिए आपने अप्लाई, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो जाएगा, हाईएस्ट जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, डोमिसाइल कहाँ का है, तो आपको यहाँ पर प्लेस है वो फिलअप कर देना, डेट है आपका और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स को, और नीचे एक और भी आपका यहाँ पर है, इसको आपको गाइज देखिए फॉर ऑफिशियल रिकॉर्ड ओनली, इसके अंदर आपको फिलअप कुछ भी नहीं करना है, और यहाँ पर आपका जो पोस्ट लिख देना है, नेम फादर नेम, ओके और एड्रेस वगैरह फिलअप कर देना है, और फोटो यहाँ पर आपको चिपका देना है, इसके साथ साथ आपको 2 फोटो है वो लिफाफे के अंदर भी आपको डालनी है, और आपको 10 रुपये का जो टिकट है 2 जगह लगाना है, ओके अंदर वाले लिफाफे पर और बाहर वाले लिफाफे पर, जिस एड्रेस पर आप भेज रहे हैं वहाँ पर एड्रेस लिख कर भेज दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया है, लगातार आपकी वैकेंसी आ रही है, इंडियन एयरफोर्स में जाने का सुनहरा अवसर है, तो आप इसके माध्यम से जा सकते हैं, और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर आप फॉलो कीजिए और वहाँ से आप मैसेज कर सकते हैं, तो पर्सनली आपको रिप्लाई है वो मिल जाएगा। आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया है, यदि वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा, और आपने अभी तक अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहें, और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले अपडेट आपको वहीं पर देखने को मिलते हैं। मिलेंगे एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो।